हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में और समझेंगे कि ये कहानी इतनी उलझी हुई क्यों है ऐसा क्यों है कि ढूंढने पर भी हमें कोई रे ऑफ होप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में नज़र नहीं आती देखिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सैड नोट पर होती है टू नेशंस थियरी के तहत हम सब जानते हैं एक तरफ क्रिएशन होता है इंडिया का और एक तरफ क्रिएशन होता है पाकिस्तान का एंड वॉट फॉलोज इस पार्टीशन अगर एस्टिमेट्स की भी माने तो टू मिलियन डेथ्स एंड ट्वेंटी मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड तो दे फोर देर वॉज अ लॉट ऑफ एगनी अ लॉट ऑफ सैडनेस अ लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत नहीं थी और यही बुर, बुरी शुरुआत कैरी फॉरवर्ड होती है इन द नेक्स्ट फेजेस ऑफ हिस्ट्री तो अब हम क्या करेंगे इस पूरे रिश्ते को समझने के लिए हम इसे कुछ फेजेस में डिवाइड कर देंगे ताकि आप अच्छी आंसर राइटिंग भी कर पाएं और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी फेज से पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाए देखिए सबसे पहला फेज कहलाता है ऑफ़ एक्टिव 1947 to 2001. और 1947 2001, में the first war, जो लड़ी जाती है, ओवर द इशू ऑफ कश्मीर अब देखिए होता क्या है ब्रिटिश अपना गेम प्लान खेल जाते हैं और कहते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके पास फ्री विल है आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं आप चाहें तो इंडिया के साथ जुड़ जाएं और आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं कश्मीर की कहानी ये थी कि यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन थी पर इनके रूलर थे महाराजा हरी सिंह जो कि एक हिंदू थे तो अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया जाता है कि वेदर हिल बी ज्वाइनिंग पाकिस्तान और इंडिया और इसी बीच इन किंगडम पर अटैक लॉन्च कर दिए जाते हैं बाय द ट्राइबल्स विच वॉज कॉम्प्लिकेटेड और महाराजा हरि सिंह मदद की गुहार करते हैं भारत से तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे पर बदले में आपको साइन करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन यानी कि ये बोलना पड़ेगा दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं और बदले में उन्हें मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर दी जाती है बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस वाज डेफिनेटली नॉट वेरी वेल टेकन बाय पाकिस्तान और एक फुल फुलज वॉर शुरू हो जाती है भारत पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई चलती है और यूएन इंटरवेंशन के बाद एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया जाता है नाइनटीन में बट द सैड दॉट वॉज वी लॉस्ट आउट ऑन वन थर्ड पार्ट ऑफ कश्मीर जिसे अब हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती वी मूव टू 1965। देखिए इसके बीच में कुछ टॉक्स जरूर इनिशिएट किए जाते हैं बट मोर लेस देवर अ फेलियर क्योंकि कोई कंक्रीट अग्रीमेंट नहीं साइन होता है बिटवीन द टू कंट्रीज और 1965 की वॉर भी कश्मीर इशू पर ही थी देखिए पाकिस्तान लॉन्च करता है ऑपरेशन जिब्राल्टर, जहां वो तीस हजार आर्म्ड मैन कश्मीर में भेजते हैं तो डेफिनेटली इंडिया हैज टू रिएक्ट टू इट इंडिया रिस्पॉन्डेड टू इट एज अग्रेसिवली एज इट बाय पाकिस्तान एंड बहुत ही वैलर बहुत ही कारिज से लड़ाई लड़ी जाती है एंड यू एन मैंडेट के बाद नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में इस पर एक हॉर्ड लगता है एक ताशकिन अग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी एंड पाकिस्तानी प्रेजिडेंट अयूब खान ताशकंद में ये वही समय है जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है बहुत ही सस्पिशियसली नोबडी एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंड बट इसके बाद ये अग्री कर लिया जाता है दैट वी मूव टू प्री वॉर लाइंस और जो इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक रिलेशंस हैं वो रिस्टोर कर लिए जाएंगे बट डेफिनेटली ये कहानी यहां खत्म नहीं होती अग्रेसन का फेज यहां खत्म नहीं होता एंड वी मूव टू 1971 1971 की कहानी थोड़ी सी अलग है देखिए हो, होता क्या है इस समय पर पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वन यू हैव वेस्ट पाकिस्तान एंड वन यू हैव ईस्ट पाकिस्तान जिसे अब हम बांग्लादेश कहते हैं और बीच में है भारत जोग्राफिकल डिस्कंटिन्यूटी लैंग्वेज डिफरेंसेस डिवेलपमेंट डिफरेंसेस ये सब ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं और अब आप ये सोच सकते हैं कि देन वाइड इंडिया इंटरवीन इन बांग्लादेश में लिबरेशन मूवमेंट चल रहा होता है जैसे बांग्ला लिबरेशन मूवमेंट कहते हैं लॉट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू इंडिया और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो बहुत खराब हो रहा होता है एंड डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट द बांग्ला लिबरेशन मूवमेंट एंड यू नो टू बी ऑन द साइड ऑफ शेख मुजीबुर रहमान जो इस जगह की प्रीमियरशिप अज्यूम कर रहे होते हैं uh, of course this is retaliated। पाकिस्तान कहता है आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं और एक लड़ाई शुरू हो जाती है अगेन इंडिया पाकिस्तान के बीच 1971 में इंडिया एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करता है फॉर द फर्स्ट टाइम एक बहुत ही सिंक्रोनाइज मैनर में लैंड एयर सी फॉलोड अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ By the side. Pakistan, आर्मी को करना पड़ता है ढाका में पाकिस्तानी सरेंडर इंडिया पाकिस्तान एक अग्रीमेंट साइन करते हैं विच इज कॉल्ड द शिमला अग्रीमेंट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू ये थ्री वॉर स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ अग्रेशन पे वी आर स्टिल इन द फर्स्ट फेज बट दिस इज वन मोर अग्रेसिव स्टोरी दैट इज द बिल्टअअप टू कारगिल देखिए पाकिस्तान ना कुछ तो होता ही है सेवेंटी वन की डिफीट के बाद पर उनको समझ में आ जाता है कि एक वन और वन वॉर में शायद हम भारत को कभी हरा नहीं पाएंगे इसीलिए एक प्रोक्सी वॉर एक साइड वॉर स्टार्ट कर दी जाती है ऑन एल एसी एल ए पे कुछ ऐसी है, जो बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट विंटर के समय कर दी जाती थी बोथ बाय इंडियन साइड ऑफ ऑफ द द फोर्सेस फोर्सेस एंड बाय पाकिस्तानी साइड सिंपली बिकॉज अंडरस्टैंड दैट आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टेरेन बहुत ज्यादा ठंड होती है इनहॉस्पिटेबल कंडीशन होती है और एक अंडरस्टैंडिंग इसीलिए डिवेलप कर ली गई थी दैट दिस पोस्ट वुड बी वेकेटेड ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स

इंडियन आर्मी रिटेलियस इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन विजय और हमें इसमें विजय प्राप्त भी होती है एंड दिस इज वॉट इज कॉल्ड द कारगिल में सक्सेसफुल होते हैं दे गो बैक टू द साइड ऑफ द बॉर्डर बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ लॉस टू आर फोर्सेस वी डू लूज आउट ऑन आर फाइटर्स ये एक बहुत सैड स्टोरी है दट ओवर दीज वॉर्स

जो है स्टार्ट कर दी जाती है थर्टी मिनट्स तक ये फायरिंग चलती है जिसमें पांच टेररिस्ट होते हैं एंड एंड ऑल फाइव ऑफ देम वर किल्ड किल्ड बट एट सिक्योरिटी फ्रॉम साइड गार्डनर पता चलता है कि लश्कर एबा और जैश ए मोहम्मद इसमें इन्वॉल्व थे जिनको डेफिनेटली बैकिंग है पाकिस्तान की तो जब आप वन ऑन वॉर्ज में नहीं जीत पाते तो आप और तरीके ढूंढते हैं अटैक लॉन्च करने के एंड दिस अ वेरी सैड फेज वे यू सी द पार्लियामेंट अटैक ऑफ टू थाउजेंड एंड वन तो क्या 2001 लास्ट था इस सीरीज में नहीं अगला जो फेज है जिसे हम कहते हैं फीस फेज ऑफ रिकनसीलिएशन फ्रॉम 2001 टू 2008 देखिए ऐसा नहीं है कि 2001 के पहले कोई, कोई कोशिश नहीं की गई थी रिकनसीलिएशन की द दिल्ली लाहौर बस सर्विस जो 1999 में शुरू हुई वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कोशिशें की गई थी बट आफ्टर नाइनटीन नाइनटी के अटैक्स होते हैं और ये सारे पीस प्रोसेसिस एक हॉल्ट पर आ जाते हैं बट अगेन इन 2004 मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान प्रॉमिस करता है दैट वी विल नॉट बी पाकिस्तान फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया डायलॉग्स भी डिसाइड uh, किए जाते हैं कॉम्पोजिट डायलॉग्स का मतलब है कि रेगुलर मीटिंग्स होंगी ऑन मिनिस्ट्रियल लेवल्स ऑन हेड ऑफ द स्टेट लेवल ट्रेड रूट्स ओपन किए जाते हैं इन फैक्ट टू में तापी भी अग्री किए जाता है दैट वील बी यू नो कमिंग अप विद तापी आपको पता होगा तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया ये गैस पाइपलाइन लगाने की बात भी 2008 में की जाती है सो अ लॉट ऑफ पीस बिल्डिंग मेजर्स रिकनसिलियेशन मेजर्स ट्राई किए जाते हैं बट एज फेट में हैविट एक और सैड इंसिडेंट इन 2008 इस फेज ऑफ रिकनसिलियेशन पर फुल स्टॉप लगा देता है और वो था द तो मुंबई अटैक्स ऑफ ट्वेंटी इलेवन हम सब इस इन अटैक्स को नहीं भूल सकते

कुछ गुडविल जेस्टर्स होते हैं पाकिस्तानी पीएम को इनवाइट किया जाता है फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी एंड सम वर रिलीज बाय पाकिस्तान सो इट लुक्स लाइक दैट देर होप बट ये रे ऑफ होप खत्म हो जाती है विद द नेक्स्ट फेज विच इज कॉल्ड द फेज ऑफ रिन्यूड अग्र फेज ऑफ रिन्यूड अग्रेशन 2015 से फेज शुरू होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन कर लिया जाता है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जो पास होता है गिलगिट बलीचिस्तान एरिया से तो डेफिनेटली इट इज कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी और रिश्ते और खराब होना शुरू हो जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच चीजें और खराब होती हैं बाय अ सीरीज ऑफ अटैक आप देखिए गुरदासपुर टेरर अटैक उसके बाद पठानकोट नागरोटा उरी अटैक अमरनाथ यात्रा अटैक एंड आल्सो पुलवामा इन in 2019 इंडिया डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करता है आप देखते हैं उरी अटैक के बाद वी हैड सर्जिकल स्ट्राइक इनसाइड पीओके एंड पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक इसके अलावा हम रिवोक कर लेते हैं एम एफ एन स्टेटस जो हमने पाकिस्तान को दिया था जो पाकिस्तान ने हमें कभी नहीं दिया था

से यूएस फोर्सेस विड्रॉ होना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान को लगता है दैट इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ क्योंकि उसे पता है दैट तालिबान विल बी बैक इन पार अफगानिस्तान इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करने में पाकिस्तान डेफिनेटली पार्टिसिपेट करने ही वाला है एंड वी वुड डेफिनेटली वॉन्ट पीस क्योंकि यहां अगर हालात बिगड़ते हैं तो इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है uh, हमने कोशिश करी रिश्तों को समझने की बट आगे की वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट जनरेट अ डिस्कशन वे फॉरवर्ड में बताइएगा क्या कुछ सोल्यूशंस ये हो सकते हैं क्या इन सोल्यूशन से आप अग्री करते हैं या इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ सोल्यूशंस हैं डू शेयर बट उससे पहले दो सवाल भारत पाकिस्तान रिलेशन में वाई डोंट वी सी एनी स्वीट टॉक हम देखते हैं चाइना के साथ भी हमारे रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं हैं बट वी हैव समथिंग लाइक इनफॉर्मल समिट वी हैव सम

फुल फ्लेज रिटालियेशन होता है तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होगा बट वाट कैन वी डू वॉट कैन बी द वे फॉरवर्ड कुछ डिप्लोमेटिक मेजर्स हम जरूर यूज़ कर सकते हैं और उसमें से सबसे ऊपर है हाइड्रो डिप्लोमेसी देखिए कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दरअसल पाकिस्तान को कश्मीर में इसीलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ इंडस है एंड इंडस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान आपको ध्यान होगा आफ्टर पुलवामा अटैक इंडिया ने बोला भी था दैट वी मे थिंक ऑफ रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी और इससे बुरा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अगर हमने इंडस का पानी रोक लिया तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा इट इज़ वन रिवर दैट सस्टेन्स पाकिस्तान अपर मैं यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करने की बात नहीं कर रही हूं एक ऑप्शन ये हो सकता है देखिए इंडस वाटर के जो जो इंडस रिवर है उसकी ईस्टर्न रिवर्स हैं और वेस्टर्न रिवर्स हैं ट्रीटी के तहत ईस्टर्न रिवर्स का हम अनरेस्ट्रिक्टिव यूज कर सकते हैं ईस्टर्न रिवर्स से मेरा मतलब है सतलुज ब्यास एंड रावी और झेलम चेनाब का और इंडस का हम नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकते हैं तो इवन इफ यू डोंट वायोलेट दिस ट्रीटी वी कैन कॉज सम ट्रबल पर सवाल यह है कि क्या ये ट्रबल कॉज करना सही होगा बिकॉज रिमेंबर इट इज द कॉमन मैन इन पाकिस्तान दैट वुड सफर इफ वी यू नो मेक अ वाटर ग्रिड और समथिंग लाइक देयर इन इन द इंडस एंड रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर पाकिस्तान पे तो प्रेशर क्रिएट होगा ही ऐसा करने से पर नुकसान वहाँ की जनता को होगा सो शुड इंडिया बी टेकिंग दिस स्टेप दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ऑफकोर्स कल्चरल डिप्लोमेसी हम जानते हैं कितना फेमस है इंडिया में कोक स्टूडियो एम टी वी अनप्लग्ड बॉलीवुड इंड पाकिस्तान सो कैन देर बी मोर ऑफ सच एक्सचेंज एंड डिवोर्स कल्चरल एंड डिवोर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मे बी दैट कैन टुगेदर सिटीजन डिप्लोमेसी भी एक ऑप्शन हो सकता है मैं बात कर रही हूँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की क्योंकि आम आदमी तो ना यहाँ पर लड़ाई चाहता है ना वहाँ लड़ाई चाहता है सो कैन देर बी मोर एक्सचेंजेस मोर स्कॉलरशिप्स मोर गोइंग ऑफ इंडियन पीपल देर एंड मोर कमिंग ऑफ पीपल फ्रॉम हियर इज इट पॉसिबल या इससे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं सोचिएगा क्या हम पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और बॉयकॉट पाकिस्तान भी कर सकते हैं कि बात नहीं करनी ट्रेड नहीं करना कोई इंटरेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान के साथ विल दैट कॉज पाकिस्तान ट्रवल या फिर क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमैटिकली आइसोलेट कर दें और एक ऐसी पोजिशन में खड़ा कर दें जहां उसके पास मदद के लिए कोई ना हो अभी यह मुश्किल नजर आता है कंसिडरिंग द डिवेलपमेंट इन अफगानिस्तान बट कैन वी थिंक ऑफ दीज स्ट्रेटीज थिंक अबाउट इट हाइड्रो डिप्लोमेसी कल्चरल डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी बॉय ऑट पाकिस्तान या फिर डिप्लोमैटिक आइसोलेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज में इज इट अवर एंड टे लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी क्या भारत पाकिस्तान के बीच कभी पीस स्टैब्लिश नहीं होगा क्या हम एस्ट्रेंज नेबर्स की तरह ही रहेंगे सो आई एम एक्सपेक्टिंग अलॉट ऑफ आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स लेट्स ही आपको ये कहानी समझ में आई क्या कुछ ब्रेन स्ट्रॉमिंग जेनरेट हुआ आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स थैंक यू एंड हैव अ गुड डे